गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के 6 बज रहे और हम सो रहे थे कुछ यहाँ पे, बचपन की याद आ गई छत पे सो के, क्योंकि पहले जब भी रानी के रहते थे तो इधर ही सोते थे। रात को 2 बजे तक किया ब्लॉग एडिट, उसके बाद अभी आंखें नहीं खुल रही, 6 बज गए। तो बड़ी ज़बरदस्ती उठ के करते आज के दिन की शुरुआत और चलते हैं वॉक पे। तो ये रहे आम के पेड़, ये बचपन में बड़े आम खाए यार, बड़ा घूमे। और ये वो खेत है जहाँ पे हम पंगे किया करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। अभी हम जा रहे हैं बौली वाली साइड वॉक करने। इस साइड में लगभग 15 है, आप मेरे ख्याल से 15 साल बाद आ रहा हूँ, बड़ी देर हो गई है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसी साइड वॉक करते हैं। तो चलते हैं बॉल वाली साइड। ये देख लो क्या लोकेशन है, ये खैर के पेड़ लगे हैं। फाइनली पहुंच गए हैं बौली पे, और ये वो बौली है जहाँ बचपन में नहाने आया करते थे। और ये जो पेड़ है ना पीछे, ये क्या बोलते हैं इसको, बाड़ का पेड़। ये पेड़ पता नहीं कितने 100 साल पुराना होगा, क्योंकि पहले पूरा खत्म हो चुका था, खाली एक साइड से थोड़ा सा हरा था, अब फिर से देखो कितना शानदार हो गया। और इस खूबसूरत सी लोकेशन में एक्सरसाइज करके हम हो गया फ्री। और हाँ, आज वॉक उतनी नहीं हुई जितनी हम जनरली करते हैं। तो गाइस, मौसम हो चुका है बहुत खराब। मैंने और गुरव्या ने 4 बजे यहाँ से निकलना था, तो अभी जो है कि बारिश शुरू हो गई है, आप कैसे देख सकते हो। अगर 4 बजे तक बारिश ऐसे ही रही तो हमारा निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। काना मेरे साथ है, तो यहाँ पे ये तो चाहता है कि हम ना जाएं। नहीं जाए। अब गुरव्या देखते हैं, अभी वो थोड़ा नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं आ गया था ये शूट करने। अभी निकलने का सोच रहे हैं, लेकिन इधर बारिश लग गई और जम्मू में काफी ज्यादा धूप, यहाँ का मौसम जो है मौसम मौसम हो गया काफी ज्यादा। चलो देखते हैं, वेट करते हैं कब तक बारिश बंद होती है, अगर 5-6 बजे तक भी तो 6 बजे निकल जाएंगे हम। सो फाइनली गाइस, टाइम हो रहा है 4:15, तो हम हो गए रेडी, तो अभी चलते हैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, रेडी, चलो अब जय माता रानी। ठीक है, मामू को बता दे, बोल चले भाई, कहाँ गई हमारी। फिर दोनों भाग गए थे राउंड लेने, आया भैया। चल ठीक है, ठीक है, चले हम, चलो हम। हाँ, तो फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से नानी के घर से, तो ये दोनों चले गए थे राउंड पे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:20, तो हम निकल रहे हैं यहाँ से। और ये देख लो खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये जंगल है वो
जो आपको पिछले ब्लॉग में बता रहा कि बड़ा अंधेरा होगा, इस साइड हम गए थे ट्रैक्टर लेके। फटाफट से निकलते हैं, मौसम हो गया बढ़िया एकदम से, हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई है। हम तो निकले थे बादल को देख के कि बादल नहीं है, इस मिट्टी में बड़ा रिस्क रहता है राइड स्किड होने का, स्लिप स्किड जो भी बोलो। अभी मैंने घर पे कॉल की थी बताने के लिए कि हम निकल गए हैं, उधर बोल रहे इतनी धूप है तेज कि लू चल रही है, और यहाँ का मौसम देखो यार, मौसम ही मौसम, बारिश तेज चंदन, ये कहीं आधा सा बादल रह गया हुआ है, ये हमें भिगाने के लिए आया है। हाँ ये देख लो, ये धूप भी है और बादल भी है, चिड़ी चिड़ी का ब्याह हुआ था। पिटे पीती का होता, चिड़ी चिड़ी का होता, गिद गिदड़ी का भी होता। पांच छह शादियां होती हैं ऐसे मौसम में, पता नहीं बचपन में बोलते थे हमें। मेन रोड पे हम आ चुके हैं, ये रोड अब निकले हम जम्मू की, और बारिश भी है थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की बूंदाबांदी और धूप भी है। अच्छा मौसम ऐसा बना है कि अगर बारिश और हवा रुक जाए ना तो धूप तेज चुभने शुरू हो जाती है। बाकी निकल गए अपनी मंजिल की ओर, तो आज नए रास्ते से जाएंगे जो कि अद्याला जंक से होके जाता है, आपको उस रूट पर भी दिखाते हैं। मुझे खुद उधर से गए हुए बड़ा टाइम हो गया, सुना है वहां पे काम लगा हुआ है। तो यहाँ से आ रहा था, इस व्यू ने ना मुझे रुकने में मजबूर कर दिया, तो आपको भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये दरिया आ रहा है, वो ऊपर पहाड़ दिख रहा है छोटा सा, उसके पीछे एक पहाड़, उसके पीछे एक पहाड़, कितना अच्छा प्यारा सा व्यू दिखा है। छोटी छोटी सी बारिश लगी है, और ये देखो और इस साइड देखो। सो अभी चंदन करने वाला है शुरू राइड अपनी, लेना तूने गोप्रो लेना ना, ये ऐसे ही चल, बोलता बड़ा अच्छा लेकिन ये बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों। मैं भी निकल रहे हैं, तो मैं बैठ गया हूँ पीछे वाली सीट पे, आराम से चलाना, मैं गिर नहीं जाऊँ बस। चलो जी करते हैं इस खूबसूरत व्यू को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और बारिश भी रुक गई है थोड़ी सी। चलो जी जय पीर बादशाह, जय वरुण देव। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, चले चले हाँ चले, तो यहाँ तक लाया चंदन, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? बाइक तो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो दलजग से चले, दलजग वाला रोड भी दिखाते हैं इनको, नहीं चलो तो अभी मैं राइड करूँगा, ये आगे जम्मू से बस, टूर थोड़ा सा गंदा होने वाला है लेकिन चलो जो भी है, राइड ऑसम होनी चाहिए, रूट का कोई चक्कर नहीं है। ओहो यहाँ तो एंटर करते ही अच्छा नहीं, कलवर्ट्स बनिया है, चलो जी हो गया, ये भी ब्लैक टॉप यहाँ से शुरू। तो यहाँ से दयाला जख है आई थिंक 22 किलोमीटर, पता नहीं 25 किलोमीटर है। अच्छे अच्छे लैंडस्केप है यहाँ पे भी,
से ब्लैक टॉप हुआ है उसके बाद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और इन्होंने जो बोर्ड बनाया हुआ है ना भाई, क्लीन करने का मजा आ रहा है यहाँ पे। पुराने दिन याद आ गए, इतना खूबसूरत रोड देख के और इतना साफ सुथरा, ये रोड बिल्कुल गंदा होता है, फिर भी हम 60 पे ही चल रहे हैं, 50-60। फाइनली पहुंच गए हम गल्क। ओह ये तो बाजार ही उड़ गया रोड की वजह से, इधर छोटी छोटी दुकानें होती थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये थोड़ी सी बची है, बड़ा खूबसूरत सी मार्केट होती है यहाँ पे पुराने टाइप की, यहाँ पे दो तीन सब्जी वाले होते थे, एक दो नाई होता था, एक दो चाय वाला होता था, जगह से गाड़ियाँ रुकती थी, बढ़िया लगता था यार रोड का। वाकई यार रोड कंप्लीट होने ही वाला है, मजा आ गया राइड का। और इतने से फटे हमारे एक्सपल्स को क्या ही बोलते हैं, वाव 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 वाव, क्या रोड है यार और क्या लोकेशन है यार, ये देख कितना प्यारा सा गांव है। पुलिस का नाका चल रही है चेकिंग। ये जो बीच का स्ट्रेच है ना, ये अभी गंदा है क्योंकि यहाँ पे अभी आरबीएम पड़ा है, मिट्टी में कुछ दिख रहा ही नहीं है, और गाड़ी वाले भी थोड़े तेजी चल रहे हैं, और हमारे कपड़े हो चुके हैं गंदे, इधर क्या ही लीन करे बंदा। और इस गाड़ी के पीछे कोट पड़ो, गाड़ी वाला आशिक मिजाज का बंदा है, पीछे इसने लिखा है आई नीड सहेली जो गल करे डेली। वाकई यार सही बात है, ये एरिया काफी अच्छा है, ये देखो जी आई नीड सहेली जो गल करे डेली। चलो जी, तो भाई साहब की सहेली को हमारी तरफ से ये मैसेज है कि डेली गल कर लिया करो, कभी कभी ना किया करो। हमें तो मजा आ रहा था लीन करने का भाई, लेकिन एक जगह अनबैलेंस भी हो गई थी बड़ा, तेरे को जहाँ कच्चा वहाँ रगड़ो जा रहा था दोनों ने। रोड बड़ी काफी वाइड है, मजा आएगा, बन जाएगा जब ये। इधर ना वो होने चाहिए, इवेंट्स होने चाहिए, ज्यादा चाकी चले ना अगर रेस ट्रैक पर। हम कितनी जल्दी आए हैं, अभी 5:17 हो रहे हैं, तो निकल रहे हैं यहाँ से, और हमारे GoPro की बैटरी हो गई है 47%, और यार इसकी बैटरी का बैकअप बिल्कुल नहीं है, और इस लोकेशन से हम ले रहे हैं राइट यहाँ पे, ये हाँ यार दाबी जगह का नाम है इसका, दाबी वाला जगह से आगे, और ये रोड जाती है टुवर्ड्स सांबा, जिसको पता हो इस रोड का, जो इस रोड से आया हो वो कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे एक बड़ी मान्यता वाली जगह है, बाबा शिव जी बोलते हैं उनको, सुंभ। ओए 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 चना, ये तो ऑफ रोड है, ये ट्रैक चेक करो, ये पता नहीं कहां तक जाता होगा ऊपर, ऑफ रोड के लिए इतना सही ट्रैक है ना ये, और वो रोड जा रही है वहां से उतरते नीचे, नीचे से भी है कुछ। वाकई यार उधर ही देखो, ये देख लो यहाँ अभी भी लोग बाल्टियों में पानी भर के रहते हैं, बड़ा हार्ड वर्क है यार। और इस लोकेशन में एक दो गांव ऐसे हैं ना जहाँ पे लोग ट्रैक करके जाना पड़ता है, पैदल वहाँ पे आज तक लाइट ही नहीं है, कितने जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे अभी भी लाइट और पानी के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष। तो पीछे रोड इतना फर्स्ट क्लास था, यहाँ का रोड थोड़ा सा खराब है,
ये सुंब की मार्केट आ गई है, तो यहाँ से सांबा जाने में हमें लगेंगे कोई 20-21 मिनट, 15-20 मिनट लगेंगे। तो थैंक गॉड ये ब्लैक टॉक शुरू हो गया, नहीं तो पीछे से तो हम कोई 4 किलोमीटर तो ऐसे ही आए हैं, 5 पूरा कच्चा है। ब्लैक टॉप खत्म, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया बे। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सांबा, जम्मू के इस प्यारे से टाउन सांबा में, पूरी अलग होगी। रोड काफी हद तक अच्छा था लेकिन बीच में जहाँ खराब है, बड़ा ही ज्यादा खराब है, लेकिन जो लैंडस्केप है ना आपने भी देखे ही होंगे, सुपर सुपर, बट मौसम इज नॉट ऑसम हियर। गर्मी है, थोड़ी लू चल रही है, और ये सामने अपना नेशनल हाईवे, और ये सांबा का क्राउड देख लो भाई। बंदा अपना सैमसंग फोल्ड नहीं फ्लिप दिखा रहा है अपने फ्रेंड को, है ना। तो यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न और चलेंगे टूवर्ड्स जम्मू। जाम क्यों लग गया, वाय ट्रक वाला वाय, चंदन ये वही बस है, ये वही बस है बिलावर से, जब हमने वहां राइड को टर्न किया था ना, और इस बस ने बाहर वाले जगह आना है जम्मू। हिम्मत है इन लोगों की, तो साइकिल लेके पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। तो रोड वालों ने ना यहाँ पे ना नई गढ़ ऐसी की तैसी करके रखी हुई है, इतना ज्यादा ट्रैफिक और मैनेजमेंट कोई नहीं है इनकी। पकौड़े आ गए हमारे, अब चाय आने वाली है, और हमने पकड़ा ही ये कूलर, देखो सबसे आगे हमारी सीटें हैं। और यार ब्लॉग कब से कर रहा हूँ मैं अपलोड, ये ब्लॉग अपलोड होने का नाम नहीं ले रहा, वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे और यहाँ पे 4G आ गया। लो जी चाय भी आ गई हमारी, ये आ गई चाय और ये आ गया पकौड़ा। हमने चाय पी ली है और पनीर वाले पकौड़े खाए हैं, बड़े स्वाद लगा बैठ के खाने का, इतना स्वाद नहीं लगा जितना कूलर के आगे बैठ के स्वाद लगा ना, मतलब बैठ के ना नींद आ रही थी, मेरा तो मन नहीं कर रहा उठने का, मेरा मन कर रहा खाऊं चाय पी और सो जाऊं। भाई हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है क्योंकि 9 साल बाद इतनी लंबी राइड कर रहा, वो भी एकदम से ही। चलो निकलते हैं यहाँ से, टाइम हो गया 7, फटाफट निकलते हैं, GoPro की भी बैटरी डेड हो चुकी है, चलते हैं अभी, मिलते हैं आपको बाइक पर। फाइनली गाइस सांबा डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्रॉस हम, सांबा और जम्मू डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है ये, बलोल खड बोलते हैं इसको। तो हम पहुंच गए कॉलेज और एंटर कर रहे हैं अपने सिटी ऑफ टेंपल्स में, जम्मू में डिस्ट्रिक्ट जम्मू। हाँ थक गया यार, अरे रोड का काम लगा ना, बुरी हालत है, मेरी आंखों में मिट्टी, मुंह में मिट्टी, अभी हेलमेट का वाइजर बंद करके चलाऊं तो भी मिट्टी आ रही है अंदर। और यहाँ से निकल जाते हैं शॉर्टकट, और मैं बाइक चला रहा हूँ, पापा कर रहे हैं फोन,
अब आंखें बंद हो रही हैं, जाके नहाते हैं। चंदा फिर कैसी रही तेरी राइड? राइड बढ़िया रही। चलो इसकी सीट का पंगा है यार, एक्सपल्स जीरो वालों थोड़ा सीट का इसका अपग्रेड करो थोड़ी। चल ठीक है नहीं, बाय बाय। तो हम भी निकल रहे हैं, ये पाउच गोप्रो वाला रह गया था तो बाकी सामान मैं पापा साथ भेज दिया। तो ये टांग दिया मैंने कीचेन के साथ। रात का व्यू क्या ही आएगा। चलो जी। ए तू गाड़ी टायर सुसु कर रहा है? हैं? फाइनली अभी घर पहुंचा और अभी जाके ये मेरा ब्लॉग अपलोड हो रहा है। सुबह से लगा था मैं ब्लॉग अपलोड करने। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं घर पे। राइड हो गई आज ख़त्म, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ इस टाइम पे। तो हम भी नहाते हैं, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको मेरी ये वाली मोटो ब्लॉगिंग वाली दोनों वीडियोज अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप और जाते जाते वो सब्सक्राइब वाला बटन दबाते जाना ताकि आपकी हमें सपोर्ट मिले, और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम।